हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, और वो भी एमएस एक्सेल के ऊपर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के ऊपर। तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर, आप इतने सारे वीडियोस तो पब्लिश किया है, मगर बहुत जगह पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान के चलिए मेरे कोई कॉलिक, मतलब जितने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसका इन टाइम और आउट टाइम दिया गया है, तो टोटल कितने टाइम वो काम किया वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इस तरीके से चीजों को मैं नहीं कर पाया, तो इसके लिए प्लीज एक वीडियो बना के दीजिएगा। तो आज मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब एएमपीएम का गड़बड़ी होता है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो एएमपीएम में मतलब मान के चले सुबह 9 बजे से काम स्टार्ट हुआ 5 बजे तक, तो इसका टाइम कितना होगा, कितने आवर्स काम किए। और किसी का नाइट शिफ्ट भी हो सकते हैं, तो वहां पे पीएम में काम स्टार्ट हुआ सुबह 5 बजे काम खत्म हुआ, तो उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, चलो मैं सारे चीज आपको साथ डिस्कशन करूंगा। ध्यान से देखना, मैं दो तरीके से आपको डेटा यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको आसान भाषा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, इक्वल देना है, आपको फॉर्मूला देना है एमओडी। एमओडी का मतलब है मंथ, मतलब मंथ ऑफ डेट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पैकेज सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि डेट चूज करना है। तो पहले आउट डेट को चूज करिए, उसके बाद माइनस दीजिए, उसके बाद इन डेट को चूज करिए, उसके साथ आपको कॉमा देकर वन लिखना है। अभी आप कहेंगे सर कॉमा देकर वन आपने क्यों लिखा, देखिए वन का मतलब है 24 आवर्स का मतलब है वन, मतलब यहाँ पे वन दिया गया है, इसका मतलब 24 आवर्स को वो कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 24, तो 24 आवर्स तो चलते रहेंगे वीक बेसिस में, तो इसलिए मैंने वन को ऐड किया, उसके साथ 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एएमपीएम शो कर रहा है। एएमपीएम इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट है, आप देखेंगे जो फॉर्मेट है वो टाइम फॉर्मेट में चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम में चेंज हो चुके हैं। इसको सिलेक्ट करके आपको करना क्या है, आपको नंबर करना है। देखिए ऑटोमेटिक आपके साथ कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं यहाँ पे अगर डेट चेंज करूँ, तो मान के चलिए पीएम में काम स्टार्ट हुआ और सुबह 9 बजे तक 5 बजे तक हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो चुके हैं। देखिए ये एक तरीका है, और दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो वो किस तरीके से आप यूज कर सकते, ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को। पहले क्या दिया, पहले इक्वल दिया, उसके बाद मोड लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किए, फर्स्ट आउट टाइम को सिलेक्ट किया, माइनस देकर इन टाइम को सिलेक्ट किया, कॉमा देकर ऑन लिखा हूं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई साइन दिया, उसके बाद 24, देन एंटर कर देना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में चाहिए, तो नंबर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जब डेट आप चेंज करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, देखिए अभी मैंने 17 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए मैं अगर 5 लिख देता तो एम टू एम हो जाता, तो चलो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखकर ही आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 5 लिखकर ही दिखा देता हूँ, 5 लिखकर 00 लिखकर एंटर कर देना। तो देखिए एम पी एम चेंज हो गया। तो आपको अगर पीएम में कन्वर्ट करना है, तो आपको 24 आवर्स वॉच टाइम के हिसाब से लिखना है। तो मान के चलिए यहाँ पे मैंने 18 लिख दिया, इसका मतलब 6 बज जाएगा, तो 6 बजे में कंपनी का टोटल वर्किंग पीरियड हो जाएगा 9 आवर्स। तो 6 के साथ आप मिनट भी जोड़ सकते हैं, 30 मिनट्स हमने ऐड कर दिया, देखिए इसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो एक तरीका है, दूसरा तरीका भी अलग कैलकुलेशन के हिसाब से है। तो इस कैलकुलेशन को आप फॉर्मूला को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो किस तरीके से मैंने यहाँ पे अप्लाई को किया हूं, तो आप भी जरूर अप्लाई करिए, सारे इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि इन टाइम और आउट टाइम। उसके बाद देखिए सेकेंड जो फॉर्मूला है वो मैं आपको इसी सेल में दिखाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से है, थोड़ा सा अलग है, फिर भी आपको दोनों में प्रोसीडियर सीख रहा हो, कोई भी एक प्रोसीडियर का आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, इक्वल ईप लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, बताया जा रहा है कि आउट टाइम ग्रेटर देन इन टाइम, ठीक है। तो इस आउट टाइम अगर ग्रेटर देन इन टाइम अगर हुआ, तो आपको करना क्या है, कॉमा देकर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, तो आउट टाइम माइनस आपको इन टाइम करना है। इसका मतलब अगर आउट टाइम ग्रेटर देन से, मतलब इन टाइम से ज्यादा है, तो आपको माइनस करके दिखाना है, उसके साथ साथ कॉमा देकर आप सेकेंड करेंगे। अगर इफ लॉजिक ना काम करे, तो इस सेल को सिलेक्ट करना, आउट टाइम माइनस इन टाइम, उसके साथ प्लस वन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 24 आवर्स के लिए। उसके बाद दोनों ब्रैकेट क्लोज करना है, दोनों इफ का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सॉरी एक इफ का ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पे इस फॉर्मूला का एक ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 24 से, देन एंटर कर देना। देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपको शो करेगा, तो कितना आसान है ना, दोनों अलग अलग फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने क्या दिया, इक्वल्स, उसके बाद इफ दिया, फर्स्ट आउट टाइम को सिलेक्ट किया,
ग्रेटर देन दिया, उसके बाद इन टाइम। चलो मैं एक बार और भी लिख के दिखा देता हूँ। ये पहले इफ दिया, फर्स्ट ब्रैकेट दिया, इस सेल को सिलेक्ट किया, आउट टाइम को, ग्रेटर देन इन टाइम, उसके साथ साथ आपको कॉमा देना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, आउट टाइम माइनस इन टाइम, ब्रैकेट क्लोज, देन आपको कॉमा देना है, उसके बाद फिर से एक बार ब्रैकेट ओपन करना है, आउट टाइम माइनस इन टाइम, उसके साथ आपको प्लस वन करना है रिप्रेजेंट करने के लिए 24 आवर्स को, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, इफ का भी ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 24 आवर्स से, एंटर कर देना, आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान तरीके से आप आपका ऑफिस में आप किसी भी मतलब एम्प्लॉयज का आप इन टाइम आउट टाइम से टोटल आपका कैलकुलेशन कर पाएंगे कि वो कितने टाइम काम किया है। तो अगर आपको पूछा गया कि टोटल कितने टाइम काम हुआ, उसके हिसाब से मुझे पेमेंट करना है, तो सिंपल सा स्टेप है, आपको इक्वल देना है, साम लिखना है, इस सेल को सिलेक्ट कर देना, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए आसान तरीके से हो गया ना। तो इस तरीके से आसान भाषा में अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।